नमस्कार दोस्तों, धर्मलोक YouTube चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं दोस्तों, पहला वो जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। कुंभ राशि का वर्ष 2024, साल 2024 का प्रथम पहला महीना जनवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, सब कुछ जानेंगे। जनवरी 2024 नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे, क्या फल देंगे आपको नवग्रह, क्या स्थिति है नवग्रह की, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब कुछ जानेंगे और अंत में बताऊंगा आपको वीडियो के अचूक उपाय जो फॉलो करने चाहिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। चलिए जानते हैं जनवरी 2024 कुंभ राशि कैसा रहेगा। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो कुंभ राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे आपके फर्स्ट हाउस में, समझना ध्यान से, आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है स्वयं शनिदेव विराजमान है। ठीक है, आपके सेकंड हाउस में है राहु देव विराजमान, तो तीसरे घर में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वहीं आपके 11th हाउस में है सूर्य के साथ में मंगल, तो आपके 10th हाउस में विराजमान है शुक्र के साथ में बुध, तो वहीं दोस्तों आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा यह जान लेते हैं। राशि के स्वामी कौन हैं, आपके शनिदेव हैं, फर्स्ट से देखते हैं। स्वास्थ्य ठीक है, शनि अपने घर में विराजमान हैं, शनि अपने घर में विराजमान हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सही दिख रहा है आपका स्वास्थ्य, लेकिन राहु राहु घर है पापी ग्रह, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है हमारे मुख का, ठीक है दांतों का होता है, थोड़ा आंखों में जलन होना, एक जनरल या थोड़े दांतों में थोड़ा बहुत कभी कभी पेन होना, राहु ऐसा करते हैं। हालांकि राहु बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर 1.5 साल तक हैं, तो थोड़ा बहुत ही राहु देव दांतों में तकलीफ देते हैं, जरूरी नहीं कि जनवरी में देंगे, कभी भी थोड़ा बहुत इस 1-1.5 साल के अंदर ठीक है। बाकी यहाँ पर स्वास्थ्य है मुझे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि शुक्र बुध शनि तीनों अच्छी स्थिति में होंगे। बात करें आपकी पढ़ाई की, पंचम भाव 5th हाउस होता है दोस्तों पढ़ाई का, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मरकरी यानी कि बुध घर है, और बुध ग्रह की स्थिति 10th हाउस में है दोस्तों, केंद्र में है, लेकिन बुध ग्रह 11th हाउस में आएंगे 8 जनवरी को, और 7th और 7वीं दृष्टि से पंचम भाव पर देखेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा है। हालांकि महीना पूरा ही अच्छा है, लेकिन 8 जनवरी के बाद जैसे बुध पंचम भाव को देखेंगे, बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे आपके लिए, आपकी पढ़ाई को लेकर अच्छा रहेगा, आपकी एडमिशंस को लेकर अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम को लेकर अच्छा रहेगा, कंपटीशन को लेकर अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा फिर समझाता हूँ, क्योंकि बुध ग्रह 11th हाउस में आकर 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, आपकी पढ़ाई होगी, और अगर आप अपनी पढ़ाई में कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यह जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा है, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि गुरु की पोजीशन भी अच्छी है और मंगल की पोजीशन भी अच्छी है, यानी कि यह महीना आपके पढ़ाई को लेकर काफी अच्छा दिखा रहा है। कोई भी आपका प्रश्न है
अगर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तो यह महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। मुझे काफी ज्यादा होंगे। बात करें लव रिलेशन की, पंचम भाव लव रिलेशन का भी होता है, संतान का भी होता है, पढ़ाई का भी होता है। ठीक है, तो पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह अपने घर को देखेंगे। शनि फर्स्ट हाउस में आप अपना नेचर को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, आपका नेचर वैसे ही रहेगा। आपका जो एक अट्रैक्शन है वह सामने वाले को बहुत अट्रैक्ट करेगा। आपकी वाणी, आपका कहीं ना कहीं होता है कि पूरी पर्सनैलिटी सामने वाले को बहुत अट्रैक्ट करेगी। इस महीने क्योंकि शनि से बुध 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और वह कहीं ना कहीं आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे होंगे। आपके जो पार्टनर है लव रिलेशन में, और डेफिनेटली यह महीना आपके लव रिलेशन को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों 11th हाउस में आएंगे। यानी कि सारी मनोकामनाएं कह सकते हैं आपकी लव रिलेशन में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें यह महीना वैसे कुमरा से अच्छा दिख रहा। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की, 7th हाउस होता है दोस्त मैरिड लाइफ का। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य 11th में 14 जनवरी तक, 14 जनवरी को 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी के बाद मैरिड लाइफ में हाँ थोड़ा दिख रहे, आपसी तालमेल में कमी दिख रही है, थोड़ा अनबन दिख रही है, आर्गुमेंट दिख रहे हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा सा परेशानी दिख रही है। 14 जनवरी से पहले मैरिड लाइफ अच्छी है, 14 जनवरी के बाद मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल खराब हो जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा आर्गुमेंट होना, आपस में न बनना, आप छोटी छोटी बात पर फाइट करना, इश्यू क्रिएट कर देना, ठीक है, जिद करना, ऐसा थोड़ा बहुत दिख रहा है 14 जनवरी से पहले। अच्छा, तो इसलिए कहीं पर भी जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो 14 जनवरी से पहले करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में बात करें, सबसे महत्वपूर्ण विषय है भाग्य, करियर बिजनेस कैसा रहेगा। जनवरी 2024 भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और करियर के बनते हैं मंगल ग्रह, दो शुक्र अच्छे हैं, शुक्र 10th हाउस में है, फिर 11th में जाएंगे। 18 जनवरी को भाग्य अच्छा है, यानी कि भाग्य में सुख दिख रहा है। शुक्र 10th हाउस में बैठकर शुक्र जो 4th हाउस में दृष्टि डाल रहा है कि भाग्य अच्छा दिख रहा है, कोई चिंता नहीं है यहाँ पर भाग्य में, क्योंकि भाग्य का सुख लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। यानी कि आप करेंगे इतना भाग्य सपोर्ट करेगा इतना आपका। इस महीने की बात कर रहा हूँ तो आप कोई भी बड़ा काम इजीली कर सकते हैं। शुभ कार्य, प्रश्न, आपका शुभ कार्य कर सकता हूँ, कर सकते हैं, कोई चीज परचेज कर सकता हूँ, बड़ी चीज हाँ कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि शनि शुक्र बुध तीनों अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। करियर की बात करूं, मंगल ग्रह 11th हाउस में है, कोई राशि परिवर्तन नहीं है, मंगल का पूरे महीने 11th हाउस में। दोस्तों, जब 10th लॉर्ड का 11th हाउस से कनेक्शन बनता है तो अपने काम में लाभ दिखाता है, क्योंकि 11th हाउस होता है लाभ का, यानी कि अपने काम से लाभ उठाना, अपने काम से प्रशंसा लेना, अपने काम से कहीं ना कहीं आगे तक लेकर जाना, रास्ते खोलना, दरवाजे खोलना, ऐसा दिख रहा है। तो यह अपने काम में प्रॉफिट दिखा रहा है। किसको? आपको, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, क्योंकि आप मंगल फिर पंचम भाव को देख रहे हैं।
आपकी बुद्धिमता बड़ी स्ट्रांग रहेगी, आपका काम बड़ा स्ट्रांग रहेगा, आपकी काम की कोई गलती नहीं निकाल सकता, पॉलिटिक्स रहेगी अपने आप दूर हो जाएगी, जितनी पॉलिटिक्स होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। इस महीने यह भी देख लें, देख लेना, आप तो बहुत अच्छा दिख रहा, यहाँ पर तो करियर को लेकर कोई चिंता नहीं है। जिनके पास नौकरी नहीं है यह महीना बहुत सर्वश्रेष्ठ है, नौकरी को लेकर नौकरी मिल सकती है, आपको प्रयास करो। बात करें व्यापार की, दोस्तों व्यापार आपका मिड जनवरी से पहले तो अच्छा है, मिड जनवरी के बाद थोड़ा सा अप डाउन दिखा रहा है, लेकिन मिड जनवरी से पहले आपका व्यापार काफी अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है, लाभ मिलेगा, क्लाइंट्स जुड़ेंगे आपके साथ में, डेली इनकम में इजाफा होगा। आपको व्यापार में क्या करना चाहिए आपको, दोस्तों इस महीने सूर्य देव को अर्घ दीजिए, आप सूर्य कमजोर हो रहे, थोड़े से सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, तांबे के लोटे से ठीक है, और सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम राम हरि ओम सूर्याय नमः 108 बार सुबह शनिदेव का बीज मंत्र करें, सूर्यास्त होने के बाद ओम राम हरि ओम सा शनिश्चर 108 बार हनुमान चालीसा करें। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ में, धन्यवाद।